हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर करके उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए, तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में, डेली 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए, आप लोग टाइम से आ करके और ज़रूर ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दे कि आप लोगों के लिए PDF जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और PDF में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये PDF को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को PDF में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन, तो इसीलिए आप लोग PDF ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये PDF आप लोग लेते हैं तो PDF लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो PDF इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है, जैसे सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जाता है सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है BTSC, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4, यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग PDF पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस टाइप पे, तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है। लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा, तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और 1 सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये PDF लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। तो आप लोग ये PDF ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ जरूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ है ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ है ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। चलिए आज का फर्स्ट जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए यहाँ पे, उपकेंद्र के गहन क्षेत्र की जिम्मेवारी होती है। उपकेंद्र यानी कि सब सेंटर, ठीक है, सब सेंटर के गहन क्षेत्र की जिम्मेवारी किसको होती है? ऑप्शन फर्स्ट है ANM, ऑप्शन जो बी है वो है पूर्वा कार्यकर्ता, ऑप्शन सी है आशा, ऑप्शन डी है सिविल सर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ANM। ठीक है, उपकेंद्र जो होता है सब सेंटर, उसकी हेड कौन होती है? ANM। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी गहन क्षेत्र की उसी की होती है, ANM की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पेयजल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीनिकेशन की जाती है। क्लोरीनेशन जो है वो किस में की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है पोखरा, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है तालाब, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्धिकरण किसका किया जाता है? कुआं का किया जाता है। गांव में क्या होता है? कुआं होता है, कुआं से लोग पानी पीते हैं, हालांकि अभी नहीं पीते हैं, लेकिन पहले के लोग जो है कुआं से ही पानी पीते थे। तो कुआं में क्या पानी बहुत दिनों तक रहता था, तो क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा, उसमें बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा भी रहते थे। तो उसी का पहले क्या किया जाता था? क्लोरीनेशन किया जाता है, यानी उसको हम लोग क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन के द्वारा उनको उसको जो है शुद्ध किया जाता है, इसलिए उसको क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें क्लोरीन की मात्रा रहती है, तो उसी क्लोरीन से कुआं को साफ किया जाता था। ठीक है, अभी कुआं जो है आप लोग को नहीं दिखता होगा, लेकिन पहले के लोग कुआं से ही पानी पीते थे। तो जो जिस गांव में सब सेंटर रहता था उसमें एक ANM होती थी, तो वही ANM का काम था कि जितने भी कुआं है उसका क्लोरीनेशन जो है करना किसका काम था? ANM का ही काम था। चलिए ऑप्शन जो सॉरी क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, दाइयों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है वो है PHC में, ऑप्शन सी है CHC में, ऑप्शन सी है HSC में, ऑप्शन डी है अनुमंडल में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PHC होगा यहाँ पे। ठीक है, सी होगा यहाँ पे, PHC में दिया जाता है दाइयों को प्रशिक्षण। दाइयाँ कहाँ होती है? गांव में होती है। ठीक है, चलिए चार नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रामक बीमारियों का नियंत्रण किया जाता है। संक्रामक बीमारियों का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ANM द्वारा, ऑप्शन बी है LHB द्वारा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य दल द्वारा, ऑप्शन डी है वो है सरपंच द्वारा। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ANM द्वारा, तो यहाँ पे गलत है। स्वास्थ्य दल जो है ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, स्वास्थ्य दल द्वारा हो जाएगा। स्वास्थ्य दल में जो है अब ANM भी आती है और बहुत सारा स्टाफ आ जाएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य दल। ठीक है, चलिए पांच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रभारी कौन होते हैं? ठीक है, स्वास्थ्य उपकेंद्र यानी कि HSC
HSC का फुल फॉर्म होता है हेल्थ सब सेंटर, ठीक है। हेल्थ सब सेंटर जो कि गांव में होता है, मिनिमम जनसंख्या जो है कितने जनसंख्या पे होता है, लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार की जनसंख्या पे क्या होता है, एक सब सेंटर होता है, ठीक है। और उसके प्रभारी कौन होते हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी होते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बच्चों के बीच समयांतर के साधन है, समयांतर यानी कि समय अंतर, ठीक है। दो बच्चों के बीच जो है कितना समय रखना है, इसके अंतर के साधन कौन कौन सा है, किसके द्वारा जो है दो बच्चों के बीच जो है वो हम लोग अंतर रख सकते हैं, ठीक है। कितना होना चाहिए, कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए दो बच्चों के बीच, तो वो अंतर हम लोग किसके द्वारा रख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नसबंदी, ऑप्शन बी है कॉपर टी, ऑप्शन सी है MTP, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी के द्वारा हम लोग जो है जितना साल जो है इसमें अलग अलग साल का होता आता है, कॉपर टी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। होता है, ठीक है। अलग अलग जो है वो साल का होता है, ये नहीं कि हम अगर जो है 5 साल वाला लगा लिए तो 5 साल बाद ही निकलेगा, नहीं, आप लोग का मर्जी, ठीक है। जितना साल में आप लोग निकलवाना चाहते हैं तो वो निकल जाएगा, ठीक है। और नसबंदी क्या है, नसबंदी जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन है, एक बार नसबंदी हो जाने के बाद से, उसके बाद से क्या होता है कि बच्चा जो है वो चाहे वो नसबंदी मेल का हो या फीमेल के, अगर एक बार जो है वो हो गया तो उसके बाद से वो जो है दंपति जो है वो गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। MTP क्या है, MTP, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसका फुल फॉर्म और MTP क्या है कमेंट में सब लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़के के विवाह का वैधानिक उम्र क्या है, ठीक है। यहाँ पे लड़का का पूछा जा रहा है, तो 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट जो है, ये PDF जो है कम्युनिटी का है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। संवैधानिक उम्र जो है, वैधानिक पूछा जा रहा है उम्र, तो सबसे कम उम्र जो है 21 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये जब का है उसके अकॉर्डिंग इसमें 21 वर्ष आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो आप लोग के लिए एक नंबर लिख दे रहा है 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप कर लीजिए, चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को PDF मिल जाएगा, क्योंकि ये PDF बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोग को ये कॉम्बो पैक की तरह काम करता है, इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है पढ़िए। चलिए DTT छिड़काव दल की सहभागिता होती है, ठीक है। DTT छिड़काव जो होता है उसकी दल की सहभागिता किसकी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है मुखिया, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन डी है सिविल सर्जन, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसको हम लोग जो है, इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता में दो तरह का आता है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। फीमेल स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हम लोग ANM भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जो सब सेंटर होता है ना, यानी कि उपकेंद्र, उस पे जो है 3 स्टाफ होते हैं, एक मेल स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक फीमेल स्वास्थ्यकर्ता और एक जो होता है वो 4th ग्रेड जो है कर्मचारी होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी प्रोग्राम जो है वो सफलता पूर्वक हो, इसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है निगरानी करना, ऑप्शन सी है मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है जांच करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन करना, ठीक है।
क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि PDF आप लोग लीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे आप लोग को पता भी चलेगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पागल कुत्ते के काटने से होता है, यानी पागल जब कुत्ता काट लेता है कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है मम्स, ऑप्शन बी है इन्फेलाइटिस, ऑप्शन सी है रेबीज, ऑप्शन डी है कुष्ठ रोग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज। रेबीज रोग होता है अगर पागल कुत्ता काट लेता है, तो रेबीज की वैक्सीन भी आती है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, रेबीज में इंसान को अगर रेबीज बीमारी हो गया तो उसको पानी से डर लगता है, यानी उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? हाइड्रोफोबिया। फोबिया वर्ड मतलब होता है डर, फोबिया मतलब होता है डर। अगर किसी भी चीज़ में फोबिया लग गया यानी उसको उसके उससे डर है। हाइड्रो मतलब होता है जल, हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से डर, ठीक है। गर्ल्स फोबिया यानी कि लड़की से डर, ठीक है। गर्ल्स फोबिया यानी कि लड़की से डर, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला कार्यकर्ता को प्रत्येक माह अनुमोदन करना चाहिए, ठीक है। महिला जो कार्यकर्ता होती है यानी ANM, प्रत्येक माह किसका अनुमोदन करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है अग्रिम पर्वत माला, ऑप्शन बी है रोगी की सूची, ऑप्शन सी है गोष्ठी की सूची और डी है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और सेम टू सेम ऐसा ही ऑप्शन रहता है। तो आप लोग देख लीजिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिटी से, ठीक है। कम्युनिटी एग्जाम में जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। बहुत लोग जो है वो मिडवाइफरी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इस शिफ्ट में जैसा हम एनालिसिस किए हैं कम्युनिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग कम्युनिटी को इग्नोर मत कीजिएगा, ये नहीं कि अब ज़्यादा कम्युनिटी ही नहीं, सब पे बराबर ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है कि सब शिफ्ट में जो है कम्युनिटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर हम अधिकतर शिफ्ट की बात करें तो अधिकतर शिफ्ट में कम्युनिटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है रिकॉर्ड से रिलेटेड। फील्ड में आप लोग जाती हैं तो क्या क्या करती हैं, रोगी को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। कैसे आप लोग उनसे बात कीजिएगा, कैसे बात कीजिएगा कि वो आप लोग से सारी चीज़ें अपनी शेयर कर सके, ठीक है, सारी चीज़ें बता सके, जिससे आप लोगों को उनका मूल्यांकन करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक माह रोगी की सूची जो है बनाना चाहिए, कौन सी रोगी को कितना जो है उसको फॉलोअप किए तो क्या सुधार आया नहीं आया, ठीक है। कितने रोगी जो है किस बीमारी से पीड़ित है, क्या उनके लिए और आगे जो है ज़रूरी है, कितने रोगी को रेफ़र करना है, कितने क्या रेफ़र किए, ठीक है। HIV टेस्ट किए तो कितना पॉजिटिव आया, कितना निगेटिव, ये सब जो है प्रत्येक माह जो है अंतिम माह में ये सारा कुछ अनुमोदित करना रहता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वोत्तम स्थल होता है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा अगर हम लोग को देना है तो हम लोग कहाँ देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें जुट सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को उससे लाभ हो सके। तो ऑप्शन फर्स्ट है हार्ट यानी कि बाजार, ठीक है। हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार को ही हम लोग हार्ट बोलते हैं, और यहाँ पे भी बाजार लिखा हुआ है, स्कूल पंचायत भवन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा हम लोग स्कूल में देंगे तो जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, टीचर होंगे, सब कुछ सबको समझ में आएगा। और शिक्षा का सबसे, अगर कहीं भी शिक्षा देना है सबसे ज़रूरी है स्कूल से स्टार्ट करना, ठीक है, कि ताकि बच्चे जो है वो अभी जो है सीख रहे होते हैं तो उनको जो है ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और वही सीखेंगे बड़े होंगे तो अपने समाज में भी बदलाव लाएंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे कॉपर टी लगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ठीक है। कॉपर टी जो है लगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑप्शन फर्स्ट है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन बी है ANM, ऑप्शन सी है आशा, ऑप्शन डी है दाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ANM। यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, इसीलिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं होगा, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा ANM, ठीक है। जो सब सेंटर होता है HSE उस पर जो है कॉपर टी लगाने की जिम्मेदारी किन की होती है, ANM की होती है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है, ठीक है। अस्थाई विधि जो है पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे अस्थाई विधि कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अभी फैमिली प्लानिंग का जो है पखवाड़ा चल रहा है, आप लोग को पता होगा जो है 11 जुलाई से 31 जुलाई तक अभी पखवाड़ा चल रहा है फैमिली प्लानिंग का ही। जो लोग भी अब जो काम कर रहे होंगे ANM के तौर पे, तो उन लोग को ये चीज़ आइडिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है नसबंदी, ऑप्शन बी है बांध्याकरण, ऑप्शन जो है वो है सी ए और बी, ऑप्शन डी है वो है कॉपर टी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ठीक है। कॉपर टी क्या है कि एक अस्थाई विधि है, ठीक है। जब तक लगा रहेगा कॉपर टी तब तक जो है वो गर्भवती नहीं हो सकती है, जैसे ही वो निकलेगा वो गर्भवती हो सकती है। ऑप्शन ए और बी जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन है, एक बार हो जाने के बाद से वो दंपत्ति जो है आगे माता पिता नहीं बन सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रबंधन की जानकारी से होता है, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रबंधन की जानकारी जो है वो कैसे होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है अच्छा काम, व्यवस्थित काम, मन मुताबिक काम, ऑप्शन डी है ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रबंधन की जानकारी जो है उनके अच्छा काम और व्यवस्थित काम से होता है, ठीक है, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और कैसा जो है वो काम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिहाइड्रेशन से बचने के लिए इस्तेमाल करना उत्तम होता है। रिहाइड्रेशन मतलब कि जल की कमी, ठीक है। जब जल की कमी कैसे हो जाती है, जैसे कि हम लोग जो है अगर किसी को डायरिया हो गया, ठीक है, लूज मोशन, तो उसमें क्या होती है कि जो है पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी हम लोग कैसे पूर्ति करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट है वो है शरबत, ऑप्शन बी है वो है ORS घोल, ऑप्शन जो है सी है वो ग्लूकोज पर पानी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ORS का घोल हम लोग लेंगे, ठीक है। रिहाइड्रेशन अगर जो है हो गया है तो ORS का घोल लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। गर्भवती महिला को टेटनस का टीका दिया जाता है, एक गर्भवती महिला है उसको कितने टेटनस का टीका दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है दो, ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है चार। तो राइट आंसर हो जाएगा दो, यहाँ पे दो टीका दिया जाता है, ठीक है। ये दो दिया जाता है अगर जो है किस किस कंडीशन में दो दिया जाता है, अगर वो पहली बार गर्भवती बनी है तो उसको दो टीका लगेगा, अगर वो दूसरी बार गर्भवती बनी है लेकिन जो पहला बच्चा है वो 3 साल से अधिक का है तो उसको दो टीका लगेगा, लेकिन अगर जो है वो दूसरी बार गर्भवती बनी है उसका पहला जो बच्चा है वो 3 साल से छोटा है तो उसको एक ही टीका लगता है, TD का, यहाँ पे बूस्टर डोज लगता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त अल्पता की स्थिति में अधिक व्यवहार जो है वो करना चाहिए। रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी है, जिसको हम लोग एनेमिक भी बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फल, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है पालक साग, ऑप्शन डी है वो है दूध, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पालक साग,
क्यों? क्योंकि इसमें जो है आयरन होता है, ठीक है, यानी कि लौह तत्व होता है, और रक्त अल्पता यानी एनीमिक जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, आयरन का कमी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है उसको पालक का साग देंगे, या फिर जिसमें भी आयरन मिलता है, जैसे कि अगर फल की बात करें तो सेब में मिलता है, और केला, ये सब चीज में जो है वो आयरन की मात्रा होता है, अनार में भी आयरन मिलता है। तो आयरन वाला चीज जो है ज्यादा हम लोग खाने के लिए उसको बोलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टीकाकरण से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में एक ना एक जो है वो रहता है, ठीक है, इसलिए उसको आप लोग रट लीजिए। BCG पोलियो DPT टीका प्रभावित होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 2 वर्ष के लिए, आजीवन, 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभावी पूछा जा रहा है कि कितने साल तक रहेगा प्रभावी, कि अगर हम लोग BCG का टीका लगा दिए, उसको पोलियो पिला दिए, या DPT का टीका लगाते हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो बच्चों में कब तक प्रभावित रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 2 वर्ष के लिए, आजीवन, 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो उसमें प्रभावी की बात करें तो उसको जो है प्रभावी आजीवन काल के लिए रहता है, उसका जब तक जीवन है तब तक उसको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से टीकाकरण से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। MR वैक्सीन का विस्तृत अर्थ होता है, यानी MR का फुल फॉर्म, MMR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले जो है MMR आता था, ठीक है, लेकिन अब इस M को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ अब आता है MR। तो पहले MMR आता था तो उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है मिजल्स मम्स रूबेला, ऑप्शन जो बी है वो है मिलस मलेरिया रूबेला, ऑप्शन सी है मिजल्स मम्स रूबेला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मिजल्स मम्स रूबेला, राइट आंसर हो जाएगा। MMR वैक्सीन जो है पहले 9 मंथ पे दिया जाता है, स्टार्टिंग किया जाता था, अब MR हो गया है, उसको भी 9 मंथ से स्टार्टिंग करते हैं। इस MR का फुल फॉर्म होता है मिजल्स रूबेला, इसमें मम्स को जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर, पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंदर आता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है, के अंदर कौन सा आता है, यानी कि PHC को प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या आता है, स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, उनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य केंद्र बोलिए या फिर उपकेंद्र बोलिए, ये PHC के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि PHC कितने जनसंख्या पे होता है, CHC कितने जनसंख्या पे होता है, सब सेंटर कितने जनसंख्या पे होता है, ये सारा कुछ जो है एग्जाम में पूछा जाता है। PHC पे कितने स्टाफ होते हैं, CHC पे कितने स्टाफ होते हैं, HSC पे कितना स्टाफ होते हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्र में कितना जनसंख्या पे होता है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने जनसंख्या पे होता है, और पहाड़ी क्षेत्र में कितने जनसंख्या पे होता है, ठीक है। अगर आप लोग को ये सारा कुछ नहीं पता है तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, हम उसको जो है बता देंगे इसको डिटेल में। अभी यहाँ पे डिटेल में बताएंगे तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट अगला जो वीडियो आएगा ना उस पर आ जाएगा, आप लोग को डिटेल में बता दिया जाएगा कि कौन सा जो है कैसे सारा कुछ डिटेल में, ताकि उससे आप लोग को क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आए तो आप लोग का नहीं छूटे। अगर आप लोग को नहीं पता है तो कमेंट में बताइएगा, उसका एक वीडियो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, योजनाबद्ध, ठीक है, योजनाबद्ध रूप से करने का अर्थ होता है, ठीक है, योजनाबद्ध रूप से काम करने का अर्थ क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है मिलजुल कर काम करना, ऑप्शन बी है कार्य योजना के अनुसार करता
ठीक है, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य कर्मी के साथ काम करना, ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, योजनाबद्ध जो है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना यानी चेन की तरह काम करना, सब कड़ी जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है, सबका एक दूसरे से हेल्प होता है तभी वो काम होता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता होते हैं आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और कैसे योजना बना करके काम करते हैं। ठीक है, जब तक किसी भी चीज़ का आप योजना नहीं बनाइएगा यानी प्लानिंग नहीं कीजिएगा तब तक वो काम जो है वो नहीं होगा, और प्लानिंग बनाने के लिए मिलजुल कर प्लानिंग बनाया जाता है और मिलजुल कर उस काम को जो है किया जाता है तभी वो काम जो है योजनाबद्ध तरीके से और अच्छे से होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,790 NM का एग्ज़ाम हुआ है या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये PDF ले लीजिए। ठीक है, इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4,000+ क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा, जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक PDF में मिल जाएगा। इस PDF को अब आप लोग के मन में आना आ रहा होगा कि ये PDF कैसे ले, तो ये PDF लेने के लिए आप लोग के सामने एक WhatsApp नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये WhatsApp नंबर चंदन सर का है, ये WhatsApp नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पे WhatsApp कीजिए कि PDF चाहिए, तो आप लोगों को ये PDF WhatsApp पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये PDF है आप लोग के सामने, जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, सॉरी जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस PDF से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस PDF से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो PDF जो है इसमें आप लोग को YouTube पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक WhatsApp ग्रुप में, जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक WhatsApp ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं, ये WhatsApp नंबर आप लोग जो है WhatsApp नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए, ये WhatsApp नंबर है, WhatsApp नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।